स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपको वाटर प्रेशर पंप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। और अगर आप ये सेटअप करते हैं तो आपको अच्छा खासा वाटर प्रेशर देखने को मिल जाता है और ये जो वाटर है वो काफी दूर तक थ्रो भी कर सकते हैं, जिससे कि आप सोलर पैनल, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह भी धो सकते हैं। और ये एक काफ़ी सिंपल सेटअप है, मेरे खुद के घर पे भी ये लगा हुआ है जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा कि कैसे आपको करना है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजीली आप इसे कर सकते हैं या फिर आप अपने प्लम्बर से करवा सकते हैं। बस इसकी एक ही रिक्वायरमेंट रहेगी, वो ये कि आपके पास सबमर्सिबल पंप होना चाहिए। तो अगर आपके पास सबमर्सिबल पंप है तो काफ़ी अच्छे से ये वाला जो सेटअप आप कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और अगर आपके पास टैंक के बाहर वाली मोटर है तो उसके अंदर तो काफ़ी सिंपल सा सेटअप रहता है, मतलब जो सबमर्सिबल पंप है उससे भी ज़्यादा सिंपल सेटअप रहता है, तो उससे तो आप ऑफकोर्स कर ही सकते हैं। लेकिन ये जो सबमर्सिबल पंप वाला सेटअप है वो काफ़ी यूनिक है, तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ ये सेटअप कि आपको कैसे लगाना है और आप कैसे इससे जो है एक वाटर प्रेशर पंप जैसा फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा मेन लाइन आ रही है जो कि डायरेक्ट सबमर्सिबल पंप से कनेक्टेड है, और ये जो लाइन है वो हमारे वाटर टैंक में जाती है जहाँ से हमारा जो वाटर टैंक है वो फिल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर रखा है, यहाँ पर हमने एक ब्रास का टी लगाया हुआ है और यहाँ से जो है 1/2 इंचेस का कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉल वाल्व है और इस जगह पे आप सिंपली देख सकते हैं कुछ भी नहीं किया गया है, बस ये जो हमारे UPVC पाइप है उससे इस पाइप को होज क्लैंप के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। बस सिंपल सा, काफ़ी सिंपल सा सेटअप है, आपको कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी सिंपल सा सेटअप है, बस आपको इतना ही कर लेना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो मेन लाइन है जो 1 इंच का है जो डायरेक्ट सबमर्सिबल पंप से आ रहा है, उसके अंदर हमने एडिशनली एक बल्ब वाल्व भी लगा दिया है 1 इंचेस का। तो देखिए वहाँ पर हमारा जो है कनेक्शन हो गया और यहाँ पर जो हमारा है 1 इंचे का वाल भी लग गया। और इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में, ये वाल आपको लगाना आखिर क्यों ज़रूरी है। तो जब भी आप अपने सबमर्सिबल वाटर पंप को ऑन करेंगे तो ये लाइन में जो है प्रेशर से पानी फ्लो करेगा टैंक की तरफ, जिस वजह से जब आप अपना ये वाला वाल्व खोलेंगे तो काफ़ी प्रेशर से यहाँ पे जो है आपको पानी आएगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैंने ये इस टाइप की नोज़ल लगा रखी है जिसको कि आप घुमा के पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस वजह से पानी जो है काफ़ी दूर तक ये थ्रो कर पाता है। और बात करें इस वेल की तो ये हमेशा ऑन ही रहेगा जिससे कि आपका जो पानी है डायरेक्ट वाटर टैंक के अंदर जा पाएगा। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस टाइप से सेटअप को ऑन करके अपने सोलर पैनल से या फिर अपनी कार को धोना हो तो कभी भी इसको पूरी तरीके से बंद मत कीजिएगा, इसे हमेशा हाफ ही ओपन रखिएगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए बस आपको इतना ही रखना है, पूरी तरीके से बंद नहीं करना है। और इसका रीज़न यह है कि जो आपका आधा पानी है वो वाटर टैंक के अंदर चालू रहेगा और जो आपका आधा पानी है वो इस प्रेशर पंप के ज़रिए आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। और इसका पूरा बंद ना करने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप इसे पूरा बंद कर देते हैं तो जो पानी को फ्लो करने के लिए वो जगह काफ़ी कम हो जाती है, जैसे कि हमारा वो वाला सेटअप था वो 1/2 इंचेस का था जबकि हमारा ये वाला सेटअप 1 इंचेस का है। तो इससे होगा ये कि अगर पानी को पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी फ्लो होने के लिए तो आपके जो मोटर पे वो लोड आएगा, अगर आपके सबमर्सिबल पंप पे लोड आता है तो उससे आपका पंप ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।